नेक्स्ट जो हमारे पास ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस की रीज़न है उसमें हमारे पास सीजर्स आ जाते हैं। अब सीजर्स की एक मतलब ब्रॉड क्लासिफिकेशन है जिसकी पूरी डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी दो मोस्ट कॉमन आपके होते हैं टाइप्स ऑफ सीजर उनको हम देख लेंगे। एक आपका जो ओल्ड नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जिसको ग्रैंड मल कहते हैं, और अब उसको आप टॉनिक क्लॉनिक सीजर कहते हैं, और दूसरा जिसको आप पेटिट मल ओल्डर नोमेनक्लेचर में कहते थे अब आप उसको जनरली एब्सेंस सीजर कहते हैं। तो जो टॉनिक क्लॉनिक सीजर होता है उसमें बेसिकली आपकी एक टॉनिक मसल टॉनिक होते हैं यानी स्टिफ हो जाते हैं, और क्लॉनिक यानी जर्किंग मूवमेंट्स होती हैं। ये दोनों चीज़ें उसके अंदर देखी जाती हैं, और एक वायलेंट सा आपका फिज़िकली देखने में नज़र आता है जिसमें पेशेंट के डिफरेंट मतलब कुछ मसल्स उसके अकड़ जाते हैं टॉनिक स्टेट में होते हैं और कुछ जर्किंग मूवमेंट्स शो करते हैं। और इस प्रेजेंटेशन को आप कह लें कि ग्रैंड मल या टॉनिक क्लॉनिक सीजर का नाम दिया गया। जबकि जो इसमें यह है कि इसमें मोटर कंपोनेंट आपका इन्वॉल्व है ज़्यादा। जो पेटिट मल या एब्सेंस सीजर है उसमें आपका मोटर कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं होता, वो बेसिकली ये है कि आप उसकी प्रेजेंटेशन इस तरह होती है कि पेशेंट जो स्टेयरिंग इन टू समथिंग यानी जहाँ देख रहा है ना वो वहीं देखता रहेगा, और यानी उसकी कोई फिज़िकल मूवमेंट्स नहीं होंगी लेकिन वो कॉन्शियस नहीं होगा, यानी उसको वो वाला फेज़ याद नहीं रहेगा, उसमें उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसको ये याद नहीं रहेगा। तो ये आपका पेटिट मल कंसिडर होता है। अब इसकी दूसरी जो रीज़न है वो जो मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एटियोलॉजी क्या है। अब कुछ पेशेंट्स में एडियोपैथिक होता है, नहीं पता होता कि किस उसका मतलब रीज़न क्या है सीजर की। कुछ में पता होता है, ट्रिगरिंग पॉइंट्स पता होते हैं, तो अगर कोई ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं उसके तो आपने पेशेंट से जिसने हिस्ट्री दी है आपके पास कि उसका सीजर्स की एपिसोड होते हैं या एपिलेप्टिक है, तो उसकी आपने ट्रिगरिंग पॉइंट्स नोट कर लेने हैं, और फिर ड्यूरिंग सर्जरी आपने उसको उन ट्रिगरिंग पॉइंट्स को डेवलप नहीं होने देना अपने ऑफिस के अंदर। और दूसरी चीज़ ये कि आपने उससे और उसके फेलोज से या फैमिली से ये भी पूछ लेना कि जब इनको एपिसोड होती है एपिलेप्सी की या सीजर अटैक होता है तो उस वक्त इनकी क्या प्रेजेंटेशन होती है। बिफोर अटैक कोई ऐसे स्पेसिफिक साइंस हैं जो हमें जिसके लिए लुकआउट पे रहना चाहिए, हम उसको ऑब्जर्व करते रहें कि अगर ये होने लगा है तो हम समझ लें कि इम्पेंडिंग है कि उसको सीजर का अटैक होने लगा है। और फिर यह है कि जो सीजर के पेशेंट्स होते हैं वो कोई मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे होते हैं। अब जो डिफरेंट मेडिकेशंस हैं उनमें आपको उनकी जो ओरल साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो पता होने चाहिए, जिसमें सबसे कॉमन जो हमारे पास है वो फेनिटोइन है जिसकी वजह से आपका जिंजिवल हाइपरप्लेजिया होता है। अब वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताता है कि अगर तो उनका वेल कंट्रोल्ड एपिलेप्सी है जिसके लिए वो मेडिकेशन लेता है और उसको आइडिया है कि क्या चीज़ ट्रिगर करती है, वो उसको अवॉइड करता है, तो एक नॉर्मल सर्जरी जो है वो इजीली परफॉर्म की जा सकती है उस पेशेंट के अंदर। लेकिन हम अब अज्यूम कर रहे हैं कि एक पेशेंट को हमारी ड्यूरिंग सर्जरी हमारे ऑफिस के अंदर सीजर का अटैक हो गया, तो वो ये कहता है कि देखने में तो वो बहुत वायलेंट होता है और स्केरी होता है स्टाफ के लिए और डेंटिस्ट के लिए, लेकिन ये है कि देर इज़ वेरी लिटल यू कैन डू ड्यूरिंग द अटैक। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि जब उसको अगर टॉनिक क्लॉनिक सीजर का अटैक हुआ है तो आपने उसके इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें हटा देनी है जिससे उसकी कोई फिजिकल इंजरी हो सकती है, ठीक है, और उसको मतलब जो उसकी टॉनिक क्लॉनिक मूवमेंट्स हो रही हैं वो आप हो लेने दें, एक दफ़ा वो हो जाएंगी उसके बाद आप उसकी जो है वो मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। आपने देखना है कि पेशेंट जो सबसे मेन चीज़ है जो आप देखेंगे वो ये है कि एयरवे पेटेंट है या नहीं। अब अगर तो आपको लगता है एयरवे पेटेंट नहीं है और ब्रीदिंग नहीं हो रही तो उसके एक दो मनूवर्स हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपका एयरवे पेटेंट होता है। अब उसमें एक ये है कि आप मैंडिबल को थोड़ा सा इंटीरियर पोजीशन करते हैं, हैंड मतलब हाथ से पकड़ के ही मैंडिबल को थोड़ा सा आगे पुश कर लेते हैं जिसकी वजह से आपका एयरवे थोड़ा सा पेटेंट होता है जिससे जो ब्रीदिंग है वो इम्प्रूव होगी।
और दूसरा तरीका है कि आप उसके हेड को थोड़ी सी एक्सटेंडेड पोजीशन में रखें चेस्ट से अवे, तो उससे भी आपका जो एयर वे है उसकी विड्थ इंप्रूव होती है। और अगर उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है एयर वे कोलैप्स की या एयर वे की वजह से, तो फिर उसमें आपकी ये जो दो मनूवर्स हैं ये इम्प्रूव करेंगे आपकी ब्रीदिंग को। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर उसको वॉमिट हो जाती है या एस्पिरेशन हो जाती है किसी चीज़ की ड्यूरिंग द अटैक, तो उसमें फिर ये है कि आप उसको साइड पे करवट दिलवा देते हैं, और सक्शन से आप एक तो जो उसने अगर कोई ओरल कैविटी के अंदर रेमनेंट्स रह गए हैं वो रिमूव करवा लेंगे, और फिर जो आपने एस्पिरेशन का प्रोटोकॉल पढ़ा हुआ है एक तो आप वो फॉलो करेंगे, दूसरा ये कि आप यानी उसको साइड पर टर्न करके रखेंगे और एस्पिरेशन के जो साइंस सिम्टम्स हैं उसके लिए आप लुकआउट करेंगे कि उस अगर उस तरफ जा रहा है पेशेंट तो फिर उसकी मैनेजमेंट करेंगे। फिर वो बताता है कि आपके सीजर के दौरान या आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर एपनिया के एपिसोड्स हो सकते हैं ब्रीफली थोड़ी ड्यूरेशन के लिए, लेकिन अगर आपका एपनिया यानी पेशेंट बिल्कुल ही सांस नहीं ले रहा और ये एपिसोड 30 सेकंड से ज़्यादा की हो जाती है, तो फिर आप BLS अपना जो है वो स्टार्ट कर देंगे, और उसमें आपका ऑब्वियसली ABC का जो वो क्राइटेरिया है वो सारा आ जाएगा। एयरवे चेक करेंगे कि एयरवे में तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ब्रीदिंग वो ऑब्वियसली नहीं कर रहा है एपनिया में है, और अगर एयरवे क्लियर है तो फिर आप चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे और एमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करेंगे, इस तरह आप उसको डील करेंगे। फिर आपकी एक सीजर्स की टाइप है जिसको स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। इसमें ये होता है कि आपको एक सीजर का जो एपिसोड हुई है उसके बाद यूजुअली ये होता है कि आपका पेशेंट रिकवरी की फेज़ में चला जाता है और थोड़ी देर बाद कॉन्शियसनेस रीगेन हो जाती है, लेकिन स्टेटस एपिलेप्टिकस में ये होता है कि एक एपिसोड के बाद रिकवरी का टाइम नहीं होता और थोड़ी देर बाद ही एक सेकेंड एपिसोड शुरू हो जाती है और थोड़ी देर बाद थर्ड एपिसोड शुरू हो जाती है, और इस तरह मतलब कंटिन्यूस सीजर आपका मेंटेन रहता है, और इस वजह से इसमें जो है आपकी मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी कंसिडर की जाएगी, और अगर आपने देखा है कि फर्स्ट एपिसोड के बाद सेकंड एपिसोड इमीडिएटली स्टार्ट हो गई है पेशेंट को, तो उसके लिए जो पहले वाली थेरेपी है जो हमने अभी तक देखी है उसके साथ आपने बेंजोडाइजेपिन जो है वो इंजेक्ट करने होते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस को रोकने के लिए। उसके लिए IV आप बेंजोडाइजेपिन मतलब इंजेक्ट करते हैं, अदरवाइज आप IM भी आप लगा सकते हैं मिडाजोलैम जो है, और इसके साथ ही आपने BLS स्टार्ट कर देनी है क्योंकि इसके बाद यूजुअली पेशेंट एपनिक होगा और आपने जो है उसकी जो वाइटल साइंस और साथ मॉनिटर करते रहने हैं, और जब तक वो फुली कॉन्शियस नहीं होता आपने इसको जाने नहीं दिया। फिर उसने जो फ्लो चार्ट दिया है वो देखना है हमने, तो अगर तो आपकी आइसोलेटेड एक सिंगल एपिसोड है ना टॉनिक क्लोनिक सीजर की, तो उसमें आपकी मैनेजमेंट ये है कि पहले तो आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो छोड़ के पेशेंट को सुपाइन कर देना है, और जो इर्द गिर्द उसके कोई ऐसी चीज़ है जिससे उसको इंजरी हो सकती है वो हटा लेनी है, और उसको जो एपिसोड है वो कम्प्लीट होने दी। अब अगर तो सीजर एंड होने के बाद पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आपने मेडिकल असिस्टेंस को बुला लेना है और पेशेंट को करवट दिलवा के सक्शन करना है, एयरवे को वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं, और अगर एपनिक ही रहता है पेशेंट तो फिर आपने BLS स्टार्ट कर देनी है, साथ आप उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हुए एमरजेंसी सेंटर की तरफ भेज देंगे। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपका पेशेंट सीजर ख़त्म होने के बाद कॉन्शियस है, उसमें अभी आपने सक्शन कर लेनी है, एयरवे वाइटल साइंस मॉनिटर करना है, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है, उसके प्राइमरी केयर फिजिशियन को बता देना है, एक घंटे तक उसको आप ऑफिस में रखें जब तक वो फुली अलर्ट ना हो जाए, और उसके बाद उसको घर भेज दें। दूसरा सिनेरियो जिसमें आपके स्टेटस एपिलेप्टिकस है यानी रिपीटेड आपके सीजर्स हो रहे हैं, उसमें ऊपर जितनी आपने पढ़ी है वो सारा करने के साथ साथ आपने डायजेपैम या मिडाजोलैम IV आपने यानी डायजेपैम आप IV दे सकते हैं 5 mg पर मिनट और मैक्सिमम डोज 10 mg होगी, और मिडाजोलैम आप IV और IM दोनों दे सकते हैं जो 3 mg पर मिनट और 6 mg उसकी मैक्सिमम डोज हो, और इसके साथ आपने उसको मेडिकल असिस्टेंस को बुला लेना। जब आपका स्टेटस एपिलेप्टिकस ठीक हो जाएगा तो आपने सक्शन एयरवे सक्शन कर लेना कि एपनिक ना हो, ये हमने पहले भी देखा है,
वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं, BLS अगर आपने स्टार्ट करना है, अगर वाइटल साइंस रिकवर नहीं होते या पेशेंट एपनिक ही रहता है, और एडमिनिस्टर ऑक्सीजन और उसको आपने एमरजेंसी फैसिलिटी में जो है वो भेज देना है। ये आपकी सीजर की मैनेजमेंट सारी। अब नेक्स्ट हमारा है लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी। तो हम यूजली लोकल एनेस्थेटिक्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी पेन रिलीव करने के लिए, और जो हमारा ताकि हमारा जो प्रोसीजर हो रहा है वो पेन फ्री हो सके, जो भी आप सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं। तो जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो एक बड़ा यानी वैल्यूएबल हमारे पास मटेरियल है, केमिकल है या ड्रग है आप कह लें, जो हमारी सर्जरी को पेन फ्री बनाता है। अब उसकी टॉक्सिसिटी जो है ना वो आपकी डिफरेंट सिम्टम्स के साथ मैनिफेस्ट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन के माइल्ड मॉडरेट है या सीवियर है। और इसकी डिटेल में तो बाद में जाते हैं, पहले ये देखते हैं कि आपकी लोकल एनेस्थीजिया के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि आप जौन सा एनेस्थीजिया दे रहे हैं और जिस क्वांटिटी में दे रहे हैं वो टॉक्सिसिटी करवा सकता है या नहीं, और जितनी डोज दे रहे हैं उस पर टॉक्सिसिटी हो सकती है या नहीं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो लोकल एनेस्थीजिया है जो आप दे रहे हैं, जो टाइप ऑफ लोकल एनेस्थीजिया है उसकी डोज़ क्या है, और आप कितने ML दे रहे हैं, और जो पर्सन है, जो पेशेंट है जिसकी सर्जरी होनी है वो मैक्सिमम कितनी डोज़ जो है उसकी बॉडी जो है वो विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स यानी बेयर कर सकती है। तो उसके लिए ये एक टेबल बना हुआ है, इसमें आप सबसे पहले देख लें कि मैक्सिमम डोज उसने डिफरेंट जो है लोकल एनेस्थेटिक्स उसकी लिखी हुई है। हम सिर्फ इसमें समझने के लिए लाइडोकेन पे बात कर लेते हैं। वैसे लोकल एनेस्थीजिया की जो डोज़ कैलकुलेशन है वो किस तरह होती है उस पर एक सेपरेट वीडियो है, वो आप चैनल पे देख सकते हैं। तो अब लाइडोकेन में अगर आप देखें तो 4 mg पर kg की एक उसकी मैक्सिमम डोज़ है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास हम अज्यूम करते हैं कि एक इंसान आया है, जो एक लड़का या आदमी आया है जिसका वेट टोटल वेट है 100 kg, तो आप उसके अंदर 400 mg ऑफ लाइडोकेन की अपर लिमिट रख के तो इंजेक्ट कर सकते हैं। और फिर आपके पास जो यूजुअल कार्ट्रिज होता है लोकल एनेस्थेटिक का वो 1.8 ml का होता है, और यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है कि हमारी जो लाइडोकेन है उसकी कंसंट्रेशन 2% है। तो इसकी डोज़ कैलकुलेशन अगर आप करें तो ये 36 mg बनते हैं एक कार्ट्रिज के अंदर लाइडोकेन के। तो आप इसको 400 के हिसाब से डिवाइड कर लें तो 100 kg पर्सन के लिए इतने कार्ट्रिजेस सेफ होंगे, या अपर लिमिट होगी आप ऐसे कह लें कि उसकी बॉडी इतना बेयर कर सकती है। अब यहाँ पर उसने वेट के हिसाब से नहीं लिखा हुआ, वैसे उसने लिखा हुआ है कि आप 10 cartridges दे सकते हैं मैक्सिमली। अगर उसके बाद भी उसका जो है वो एनेस्थीजिया प्रोफाउंड नहीं है और उसको पेन हो रही है तो फिर आप इससे ज़्यादा जो है वो डोजेज में उसको एनेस्थीजिया नहीं देंगे। अब सेकंड इसके साथ है लाइडोकेन विद एपिनेफ्रिन। अब एपिनेफ्रिन का काम ये होता है कि वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाती है, और वेजो कंस्ट्रिक्शन से आपका जो लोकल एनेस्थीजिया है उसकी जो सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से आप अगर अपने लोकल एनेस्थीजिया के साथ एपिनेफ्रिन दे रहे हैं या आपका लोकल एनेस्थीजिया विद एपिनेफ्रिन आता है तो उसमें आपकी डोज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है, जो आप देख सकते हैं कि 7 mg/kg अब आपकी मैक्सिमम डोज़ होगी यानी अपर लिमिट होगी। ठीक है, तो पहले तो आपको ये सारी डोज़ कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। सेकेंड ये है कि आपका जो पेशेंट आ रहा है उसकी आपको एज और बॉडी मास पता होना चाहिए, कोई सिस्टेमिक उसको प्रॉब्लम ना हो, जैसे कोई लिवर का मसला ना हो और कोई एलर्जी वगैरह ना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और फाइनली आपका मैनर ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता होना चाहिए। यूजुअली प्रोटोकॉल ये है कि जब आप अपनी सरिंज को रिक्वायर्ड पोजीशन पे ले आएंगे तो एस्पिरेट करेंगे। अगर एस्पिरेट करने से ब्लड नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपकी नीडल जो है वो किसी आर्टरी के अंदर नहीं पड़ी हुई, तो फिर आप सेफली इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एस्पिरेट करते हैं और ब्लड आता है आपकी कार्ट्रिज के अंदर तो इसका मतलब है कि आप
का जो नीडल है वो इस वक्त किसी आर्टरी के अंदर इंट्रावेस्कुलरली पड़ी हुई है, और यहाँ पे आपके लिए यानी आप यहाँ पे इंजेक्ट नहीं करेंगे, आप नीडल की पोजीशन चेंज करेंगे और दोबारा एस्पिरेट करके जहाँ पे ब्लड नहीं आएगा वहाँ पे आप इंजेक्ट करेंगे। अगर आप डायरेक्ट आर्टरी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे तो सिस्टेमिक जो है वो उसकी सर्कुलेशन में चला जाएगा डायरेक्ट आपका लोकल एनेस्थीसिया, और उसकी जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप सिर्फ लोकली सिर्फ टिश्यू एरिया में दे रहे हैं जो सिस्टेमिकली अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। और थर्ड ये है कि आप स्पेसिफिकली अगर किसी एक टाइप ऑफ लोकल एनेस्थीसिया की कोई है कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो वो आपको पता होनी चाहिए। फिर आपकी आ जाती है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे होगी, कि अगर माइल्ड है, मॉडरेट है और सीवियर है तो उसमें आपको क्या चीज़ें नज़र आएंगी पेशेंट के अंदर। पहले है कि हमारे पास माइल्ड टॉक्सिसिटी हुई है तो उसमें टॉकेटिवनेस होगी, एंग्जाइटी होगी, स्लर्ड स्पीच और कन्फ्यूजन, इस तरह के साइंस आपको नज़र आएंगे। यानी पेशेंट अवेक होगा, कॉन्शियस होगा, लेकिन एंक्शियस होगा और कन्फ्यूज्ड स्टेट में आपको मिलेगा। तो अगर माइल्ड इस तरह आपके साइंस मिल रहे हैं उसकी मैनेजमेंट सिंपल है कि आपने फर्दर तो एडमिनिस्ट्रेशन रोक देनी है और वाइटल साइंस मॉनिटर करते रहने हैं, थोड़ी देर के अंदर उसकी जो है इफ़ेक्ट्स कम होते जाएंगे और जब वो ठीक हो जाए तो आप उसको या तो प्राइमरी केयर फिजिशियन से उसके यानी चेकअप करवा लें, अदरवाइज आप दोबारा से रीअपॉइंट करके तो स्टार्ट कर सकते हैं उसका ट्रीटमेंट। फिर आपकी मॉडरेट टॉक्सिसिटी है, उसमें आपकी स्टटरिंग स्पीच है, नस्टैग्मस, ट्रेमर्स, हेडेक्स, डिजीनेस, ब्लड विजन, ड्राउजीनेस। अब इस स्टेट पे आके जो मॉडरेट आपकी टॉक्सिसिटी है, यहाँ पे ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के आपको साइंस मिल रहे हैं, तो इसमें आपका यह है कि एनेस्थीसिया की एडमिनिस्ट्रेशन फर्दर आपने नहीं करनी, सुपाइन पोजीशन में रख के उसके वाइटल साइंस मॉनिटर करें, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करें और विद टाइम उसकी टॉक्सिस मतलब उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो सिस्टेमिकली होगी और ओवरऑल इफ़ेक्ट्स उसके कम होते जाएंगे और आपका जो पेशेंट है वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर आप रीअपॉइंट कर लें और जो नेक्स्ट उसकी मैनेजमेंट है यानी नेक्स्ट प्रोसीजर जो होगा वो आपने यानी थोड़ा सा उसको चेंज कर लेना अपने प्रोटोकॉल को। और थर्ड है आपकी कि सीवियर टॉक्सिसिटी, उसमें सीजर्स हो सकते हैं, कार्डियक अरिथमियाज हो सकते हैं और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, जो ये सीवियर कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो बेस्ट तो ये है कि जब आपको ऊपर वाले साइंस मिल रहे हैं तो आप पेशेंट को उसी वक्त मैनेज करें, फर्दर एनेस्थीसिया ना दें, लेकिन अगर आप दे रहे हैं या उन्हीं डोज के ऊपर आपको साइंस डिटेरियोरेट होते हुए मिल रहे हैं तो आपने उसको इस तरह मैनेज करना कि सुपाइन पोजीशन में रख देना, अगर सीजर का अटैक आ जाता है उसको एक एपिसोड होती है तो उसमें सीजर का जो सारा हमने प्रोटोकॉल पढ़ा है आपने उसको फॉलो करना है और साथ मेडिकल असिस्टेंस को बुला लेना है, वाइटल साइंस मॉनिटर करते रहने हैं और आईवी लाइन स्टार्ट करनी है जिसमें आपने डायाजेपैम या मिडाजोलैम जो है वो आईवी उसको देना है। बेसिक लाइफ सपोर्ट की अगर उसको ज़रूरत है, उसको एपनिया की एपिसोड हो रही है तो आपने उसको बीएलएस स्टार्ट कर देना है और एमरजेंसी जो है सेंटर में वहाँ पे उसको भेज देना है फर्दर मैनेजमेंट के लिए। तो ये सारा आपके पास होगा लोकल एनेस्थीसिया की टॉक्सिसिटी को मैनेज करने का तरीका। अब इसमें एक चीज़ है कि फर्स्ट मैनिफेस्टेशन क्या होती है आपकी लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी की, तो उसको पेरी ओरल नंबनेस कह सकते हैं आप। वो यहाँ पर नहीं लिखा, वो मतलब इस बुक में नहीं है, वो किसी और बुक में, लेकिन फर्स्ट साइन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी जो है वो आपका पेरी ओरल नंबनेस का होता है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास है डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब डायबिटीज़ मेलाइटिस बेसिकली दो तरह की है, एक आपकी टाइप वन है, एक टाइप टू है। टाइप वन आपकी इंसुलिन डिपेंडेंट है और टाइप टू आपकी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। इंसुलिन डिपेंडेंट का मतलब ये है कि इस टाइप वन डायबिटीज़ के अंदर बॉडी इटसेल्फ कोई इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती और पेशेंट डिपेंडेंट होता है कि आप मतलब या ओरल फॉर्म में या आईवी में आप इंसुलिन लें। और टाइप टू जो आपकी है उसमें ये है कि इंसुलिन ले भी लेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो उसको उस तरह से यानी उसके रिसेप्टर्स रिसीव नहीं करते इंसुलिन को और उन पे असर नहीं होता, तो ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। इसमें आपको अदर ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स यूज़ करने पड़ते हैं।
अब जो इनमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो पेशेंट डायबिटिक है उसमें अगर इंसुलिन आप नहीं ले रहे तो यूजुअली आपकी जो ग्लूकोज़ का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा नॉर्मल से। जो टाइप वन है उसके अंदर इंक्रीज्ड हाइपरग्लाइसीमिया कह लें, उससे जो कंडीशन डेवलप होती है एक्यूट एमरजेंसी वाली, उसको आप कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। और जो टाइप टू वाले होंगे उसमें एक हाइपरोसमोलर स्टेट डेवलप होती है। लेकिन ये दोनों कंडीशंस जो हैं ये डेंटल सेटिंग के अंदर जो है वो कॉमन नहीं है। तो जो चीज़ कॉमन है उसको हम यहाँ एड्रेस करेंगे, जो है आपका हाइपोग्लाइसीमिया। यानी ऊपर वाली जो दोनों कंडीशंस हैं वो हाइपरग्लाइसीमिया से होती हैं, लेकिन जो एमरजेंसी कॉमन है डेंटल सेटिंग के अंदर वो हाइपोग्लाइसीमिया है। अब हाइपोग्लाइसीमिया कैसे होता है, उसकी रीज़न ये है कि एक तो आपका नॉर्मल कैलोरिक इनटेक है, यानी जितनी आप ग्लूकोज इनटेक कर रहे हैं, और दूसरा आप जो इंसुलिन ले रहे हैं वो उसकी जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है उसको नॉर्मल रेंज में ला रही है। तो इनमें अगर मिसमैच हो जाता है किसी वजह से तो फिर आपका हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होगा, इन केस के आपकी या तो कैलोरिक इनटेक कम है या फिर इंसुलिन आपने ज़्यादा ले ली है। तो हाइपोग्लाइसीमिया जो आपका डेंटल सेटिंग के अंदर बनेगा उसकी जो डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, उसमें से पहली ये है कि पेशेंट की ऑलरेडी कैलोरिक इनटेक जो होगी या कैलोरी इनटेक जो होगी वो कम होगी। उसकी रीज़न ये है कि अगर वो आपसे फॉर एग्जांपल सर्जरी करवाने आया है, कोई अपना कोई टूथ एक्सट्रैक्ट करवाने आया है, तो यूजुअली उस टूथ के अंदर इन्फेक्शन हुई होगी। उस इन्फेक्शन की वजह से बॉडी में मतलब एक तो उसकी ओवरऑल जो नॉर्मल रूटीन और लाइफ है वो डिस्टर्ब हुई होगी, और दूसरा बॉडी के अंदर भी जो सारा रिएक्शन आता है उससे उसकी भूख थोड़ी सी कम हुई होगी। और अगर वो एंग्शियस है, एंग्जाइटी की है, तो उससे भी बॉडी का मेटाबॉलिक जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कंजम्पशन है आपकी वो इंक्रीज़ हो जाएगी ग्लूकोज की, तो उससे भी आपका जो हाइपोग्लाइसीमिया है वो डेवलप हो सकता है। अब जो पेशेंट आपको डायबिटीज़ की हिस्ट्री दे देता है उसके उससे आपने सर्जरी स्टार्ट करने से पहले ही सारी हिस्ट्री ले लेनी है कि आपकी शुगर कंट्रोल्ड रहती है या नहीं, आप मेडिकेशन जो भी ले रहे हैं उससे कितना स्ट्रिक्टली अडहेयर करते हैं, और अगर आपको यानी डाउट्स हैं कि वो नॉर्मल जो भी मेडिकेशन उसकी है वो ले रहा है या नहीं, तो आप उसके ग्लूकोज का भी टेस्ट करवा सकते हैं, ब्लड ग्लूकोज का। और लॉन्ग टर्म अगर आपने चेक करना है तो आप HbA1c का लेवल चेक करवा सकते हैं। अगर आपको इनमें नॉर्मल वैल्यूज़ मिलती हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आप उसके प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास उसको रेफ़र करेंगे कि शुगर आपकी कंट्रोल करे और फिर हम आपकी सर्जरी करें। अनलेस कि ऑब्वियसली कोई एमरजेंसी है तो फिर आप इसको प्राइमरी केयर फिजिशियन की इजाज़त लेके तो आप उसी वक्त भी करेंगे। तो फिर ये है कि आपके जो मैनिफेस्टेशंस होंगी, जो हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होता है ड्यूरिंग सर्जरी, उसको आपने आइडेंटिफाई किस तरह करना है। तो माइल्ड मॉडरेट सवियर उसके सिम्टम्स बनते हैं। जो माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया है उसमें ये है कि पेशेंट को भूख लगनी शुरू हो जाएगी, नौजिया होगा, थोड़ी सी इरिटेबिलिटी और वीकनेस फील हो रही होगी। तो ये स्टेज आपकी सबसे अर्ली स्टेज होगी, और वो ये बताता है कि पेशेंट यूजुअली इस स्टेज को रिकग्नाइज़ कर लेते हैं जो डायबिटिक होते हैं, और उनको पता चल जाता है कि अब हमें कोई मीठी चीज़ खा लेनी चाहिए या जूस पी लेना चाहिए, कोई टॉफ़ी खा लेनी चाहिए, जिससे अब जो ग्लूकोज कम हो रहा है वो ठीक हो जाए। जो मॉडरेट आपके सिम्टम्स हैं उसमें एंग्जाइटी है, बिहेवियर चेंज है जिसमें आपकी कन्फ्यूजन है, अनकोऑपरेटिवनेस है, बेलिजरेंस है, बेलिजरेंस मीन्स पेशेंट थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगा, पैलर है, परस्पिरेशन है, टैकीकार्डिया है, और सवियर में आपका हाइपोटेंशन, सीजर्स और अनकॉन्शियसनेस तक का स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा। अब ये है कि आपने इसको मैनेज कैसे करना है। तो अगर तो माइल्ड है तो सिंपल है कि आपने उसको प्रोसीजर आपने रोक देना है, और उसके बाद उसको कोई मीठी चीज़ जिसमें ग्लूकोज हो, कोई जूस है या कोई टॉफ़ी है, कैंडी है, फल है, तो वो आपने उसको ओरली दे देना है और वाइटल साइन मोनिटर करते रहने हैं। और सिंपल है, जब वो ठीक हो जाए तो आप प्राइमरी केयर फिजिशियन से आप उसको उसकी हिस्ट्री बता दें, कंसल्ट कर लें। अगर तो कोई मसले वाली बात नहीं है तो फिर आप
रीस्टार्ट कर लें या रीअपॉइंट कर लें। अगर मॉडरेट साइंस एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं तो पहला स्टेप तो यही है कि आपने ओरली ही आपने उसको कुछ देना है, जिससे आप कोशिश करें कि उसकी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल पे वापस आ जाए। वाइटल साइंस मॉनिटर करते रहें, और फिर यह है कि अगर इस स्टेज के ऊपर आपकी सिंपल इस मनूवर से सिम्टम्स इम्प्रूव नहीं हो रहे तो फिर आप उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, जिसमें आप खुद से कोई मेडिकेशन या जो आईवी लाइन है वो मेंटेन करेंगे। तो उसमें यह है कि आप आईवी के अंदर 50% डेक्सट्रोज जो है वो वाटर में लगा के, तो 50 ml की जो ड्रिप होगी उसको आप 2 to 3 minutes के अंदर उसको एडमिनिस्टर करेंगे। और अगर आईवी लाइन आप नहीं मेंटेन कर रहे या नहीं मिल रही उस वक्त आपको, तो इंट्रामस्कुलर ग्लूकागॉन का इंजेक्शन आप लगा दें, और फिर जब वो इम्प्रूव हो जाए उसके सिम्टम्स तो आप प्राइमरी केयर फिजिशियन से कंसल्टेशन लें और फिर रीअपॉइंट करें उसको। और अगर सीवियर साइंस एंड सिम्टम्स हैं तो फिर आप ओरल कुछ नहीं देंगे और डायरेक्ट ही आप आईवी लाइन अगर मिलती है तो वो आप डेक्सट्रोज की ड्रिप लगाएंगे ग्लूकोज की, अदरवाइज़ आप ग्लूकागॉन का आईएम इंजेक्शन लगाएंगे। और इसके साथ एक थर्ड ऑप्शन जो आपके पास है वो है ये है कि आप एपिनेफ्रिन सबक्यूटेनियसली दे सकते हैं, और इस यानी फेज़ के अंदर आप उसको जो एमरजेंसी फैसिलिटी होगी वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा देंगे। फिर आपका है थायराइड डिसफंक्शन। तो थायराइड से रिलेटेड जो मेन दो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म होता है, लेकिन हमारे डेंटल सेटिंग के अंदर ड्यूरिंग सर्जरी ये बहुत ही अनकॉमन है कि इस तरह के कोई सर्कमस्टेंस बने। जो थायराइड से रिलेटेड एक चीज़ हो सकती है वो थायराइड स्टॉर्म है या थायराइड क्राइसिस है जिसको कहते हैं। अब थायराइड जो है ये बेसिकली हाइपर थायराइडिज्म की वजह से होगा, यानी थायराइड की एक्सेस की वजह से। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ हम मैनिफेस्टेशंस और मैनेजमेंट ही देखेंगे। तो जो एक्यूट थायराइड स्टॉर्म है उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो ये है कि आप जो आपको बेसिकली थायराइड जो है करवाता है उसकी आप एग्जैजरेटेड फॉर्म जो है वो अपने जहन में ज्यूम करें, तो वो इसके साइंस एंड सिम्टम्स बन जाएंगे, जिसमें आप सबसे पहले देखें तो पैल्पिटेशंस होंगी, टैकीकार्डिया होगा, ट्रेमर और वीकनेस होगी, इसके साथ एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे और ऑब्वियसली कार्डियक डिसरिथमियाज हो सकते हैं, और नर्वसनेस एंड एजिटेशन होगी। यानी जो भी आपका थायराइड हाइपर थायराइडिज्म के सिम्टम्स होते हैं वो आपको इसमें नज़र आएंगे। अब मैनेजमेंट ये है कि आपने टर्मिनेट कर देनी है ट्रीटमेंट और मेडिकल असिस्टेंस को इमीडिएटली कॉल कर लेना है, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करें, वाइटल साइंस मॉनिटर करें, अगर बेसिक लाइफ सपोर्ट देने की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल वो अनकॉन्शियस हो गया है, ब्रीदिंग नहीं आया है उसकी या हार्ट स्टॉप हो गया, तो आप BLS जो है वो स्टार्ट करेंगे। आईवी लाइन आप स्टार्ट कर दें क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन की, और उसको एमरजेंसी केयर फैसिलिटी में ट्रांसफ़र कर दें। अब इसमें बहुत लिमिटेड है कि आप एक डेंटल सेटिंग के अंदर उस पेशेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो इस ऐसे पेशेंट को आप एज सून एज पॉसिबल एमरजेंसी फैसिलिटी में ट्रांसफ़र करवाएंगे तो ही बेस्ट है उसको, मतलब डेंटल सेटिंग के अंदर उसको मैनेज करना मुश्किल है। अब फिर आपकी एड्रिनल इनसफिशेंसी है, ये भी एक अनकॉमन है जो आपकी अनकॉमन चीज़ है जो आपकी डेंटल सेटिंग में हो सकती है। उसमें बेसिकली ये है कि एड्रिनल इनसफिशेंसी मोस्टली तो उन पेशेंट्स में होती है जो जिनमें एड्रिनल ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, डिज़ीज़ हुई थी, अब वो नॉन फंक्शनल हो गया है, ट्यूमर है या कोई ऐसी चीज़ है, तो ये तो एक पैथोलॉजिकल पार्ट है कि आपकी एड्रिनल इनसफिशेंसी क्यों हो रही है। एक दूसरा पार्ट है, यानी एक दूसरी आप कह लें कि रीज़न है आपकी एड्रिनल इनसफिशेंसी की, वो ये है कि वो पेशेंट्स जो स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं एज मेडिकेशन किसी और चीज़ के लिए, तो आपकी बॉडी में जो स्टीरॉइड्स का लेवल है वो लेने की वजह से एक ख़ास लेवल पे रेज्ड लेवल पे रहता है, और विद टाइम अगर आप लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स लेते हैं तो बॉडी और जो ग्लैंड है आपका एड्रिनल ग्लैंड उसमें जो नॉर्मल फ्लक्चुएशंस के रिस्पांस में उसने एक्ट करना होता है उसकी कैपेसिटी कम होती जाती है, ठीक है। तो अब
जब आप छोड़ देते हैं, फॉर एग्जांपल एक दिन दो दिन आपने स्टीरॉइड्स नहीं लिए ना, तो जब बॉडी में आपके ये स्टीरॉइड्स का लेवल कम होगा तो इन रिस्पांस आपके एड्रिनल ग्लैंड को इसके रिस्पांस में जो स्टीरॉइड्स यानी रिलीज़ करने थे वो नहीं रिलीज़ करेगा। तो ये एक है कि जो वो पेशेंट जो स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं उनमें आपका एड्रिनल ग्लैंड फ्लक्चुएशंस को फिर लॉन्ग टर्म जो ले रहे होते हैं उसके रिस्पांस में सेक्रीशंस नहीं करता। तो अगर पेशेंट आपका लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स ले रहा है तो फिर ऐसे पेशेंट्स के अंदर आपका यानी आपने क्योंकि सर्जरी करनी है तो बॉडी के ऊपर स्ट्रेस पड़ना है, तो आप उसमें ये करते हैं कि उसको कह देते हैं कि आपने जो स्टीरॉइड्स ले रहा है उसकी डोज इंक्रीज़ कर लेनी है बिफोर सर्जरी और आफ्टर सर्जरी कुछ डेज़ के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ यह है कि ड्यूरिंग सर्जरी आपका जो लेवल इंक्रीज़ बॉडी को करना चाहिए था वो करेगी नहीं और एड्रिनल इंसफिशेंसी के सिम्टम्स आपको मिलेंगे। तो जो मैनिफेस्टेशंस हैं उसमें यह है कि एब्डोमिनल पेन है, कन्फ्यूजन है, फटीग, हाइपोटेंशन, मायल्जिया, नोज़िया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और वीकनेस। तो ये तो सिर्फ याद करने वाली चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको कि क्यों हो सकता है। और मैनेजमेंट इसकी ये है कि आप ट्रीटमेंट छोड़ देंगे और पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में लटा के लेग्स रेज कर देंगे, ये हाइपोटेंशन जो आपकी हुई है उसको ठीक करेगा और साथ ही आपने जो मेडिकल असिस्टेंस है इमरजेंसी केयर उनको बुला लेना है। और अब साथ ही आपने स्टीरॉइड्स इंजेक्ट कर देने, क्योंकि आपको पता है कि पेशेंट में नहीं की बॉडी ने इटसेल्फ तो उसको कंपनसेट नहीं करना, तो आपने एज मेडिकेशन उसको देने हैं स्टीरॉइड्स, तभी उसका लेवल इंक्रीज होगा। तो उसमें आप 100 mg हाइड्रोकोर्टिसोन इंटरमस्कुलर दे सकते हैं या इंट्रावेनस दे सकते हैं। उसके साथ आप ऑक्सीजन दें, वाइटल साइंस मॉनिटर करें, आईवी लाइन स्टार्ट कर लें अगर कर सकते हैं, बीएलएस दें इफ नेसेसरी और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको हिस्ट्री से पता होना चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स ले रहा है और ये साइंस एंड सिम्टम्स डिवेलप हो सकते हैं अगर आपने मेडिकेशन की डोज इंक्रीज़ नहीं की। और दूसरा ये कि आपके जो भी सेटिंग है आपकी क्लिनिक है या हॉस्पिटल है वहाँ पे स्टीरॉइड्स अवेलेबल होने चाहिए ताकि आप ऐसे क्राइसिस को मैनेज करने के लिए एडमिनिस्टर कर सकें। और फाइनली आपका सेरेब्रोवैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ है। तो सेरेब्रोवैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ बेसिकली तीन उसने उसकी रीजंस बताई हैं जिससे हो सकता है। पहली ये है कि बॉडी में कहीं पे थ्रोम्बस बनेगा और वो एम्बोलाइज होगा और फिर सेरिब्रल किसी वेसल में जाके तो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, तो इसको आप एम्बोलाइजेशन कह सकते हैं। सेकंड पार्ट जो सेकंड जो रीज़न है वो ये है कि किसी सेरिब्रल वेसल के अंदर ही थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुई और वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। और थर्ड है कि आपकी कोई ब्लड वेसल रप्चर हो गई है जिसकी वजह से पार्ट ऑफ द ब्रेन की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। अब ये भी एक ऐसी एमरजेंसी है जो बहुत रेयर है, कॉमन नहीं है कि डेंटल सेटिंग के अंदर हो। तो यूजुअली वो कहता है कि ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक होता है जिसमें सिर्फ रीअश्योरेंस देनी होती है, यानी वो ट्रांजिएंट होता है, इटसेल्फ करेक्ट हो जाता है थोड़ी देर के लिए होता है। लेकिन वो कहता है कि अगर ट्रांजिएंट अटैक हुआ तो इट इज़ पॉसिबल कि थोड़ी देर में उसको कंप्लीट इन्फार्क्शन भी हो सकता है, सेरेब्रल इन्फार्क्शन। तो इसीलिए टर्मिनेट करनी चाहिए डेंटल ट्रीटमेंट और आपने उसको एमरजेंसी फैसिलिटी में फिजिशियन के पास रेफ़र कर देना है। तो इसकी सिर्फ मैनिफेस्टेशंस देखनी है और मैनेजमेंट देखनी है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बेसिकली जिस पार्ट ऑफ द ब्रेन की ब्लड सप्लाई आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है उस पार्ट के अकॉर्डिंग आपके सिम्टम्स वेरी करेंगे कि किस पार्ट का आपको पैरालिसिस शो हो रहा है और यानी इस तरह जो सिम्टम्स उसके हैं वो आपके पार्ट ऑफ द ब्रेन के ऊपर डिपेंड करेंगे कि जिसकी आपकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। मैनेजमेंट सिंपल है कि आप सेटिंग में डेंटल सेटिंग में तो कुछ नहीं कर सकते अनलेस कि आप बीएलएस कर लें अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है,